तो फ्रेंड्स, पोकेमोन की एक न्यू वीडियो में सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि गैरी के पास 10 बैजेस आए कहाँ से, क्योंकि कैंटो में तो सिर्फ ऑफिशियल 80 जिम्स थे, तो गैरी के पास एक्स्ट्रा 2 जिम के बैच कहाँ से आए। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सब व्यूअर्स को पोकेमोन कंपनी ने क्या क्या बताया कि 8 ऑफिशियल बैजेस हैं, यानी ऑफिशियल जिम्स हैं, और 3 अनऑफिशियल जिम्स हैं। और हमें ये गैरी अपने 10 बैजेस तब दिखाता है जब वो जियोनी से लड़ने आता है अर्थ बैच के लिए, और वो ये भी कहता है कि उसे जियोवानी बैच को मतलब पाने के लिए भी उतनी भी चाह नहीं रही, क्योंकि वो ऐसी 10 बैचेस लेके घूम रहा है और 8 बैचेस ये क्वालिफायर के लिए, और 10 बैचेस तो वो आराम से जाएगा। तो वो जियोवानी से लड़ता है पर वो हार जाता है, और गैरी के पास तो अर्थ बैच भी नहीं है। तो अब हम देखेंगे गैरी के सारे बैचेस को एक एक करके। तो सबसे पहले 2 जो बैच हैं वो तो ब्रोक और मिस्टी के बैच लग रहे हैं, तीसरा बैच में थोड़ा डाउट है, या तो वो लियांटेक सर्च का है या फिर वो एरिका का है। दूसरे बैचेस के बारे में बताने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब ऐश लुनेटिक सर्च से मतलब बैटल करने जाता है जिम के लिए, तो वो हर किसी मतलब ट्रेनर जो भी उससे बैटल करने आया होता है उसको हमेशा एक ही बोलता है, बेबी 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 बेबी। अगर गैरी वहाँ पे गया होता और अगर उसे गैरी ने हरा ही दिया होता, क्योंकि हमेशा गैरी जो था ऐश से एक स्टेप आगे रहता था, तो वो ऐसा एटीट्यूड थोड़ी रखता बेबी बेबी। और एरिका का जिम भी तुम्हें पता है, वहाँ पर ऐश ने बस परफ्यूम को बोलता कि परफ्यूम मुझे अच्छे नहीं लगते, तो उन्होंने उसको एक क्रॉस मार दिया उसके मुँह पर। गैरी जैसा एटीट्यूड वाला ट्रेनर अगर वहाँ जाए और अगर कोई ऐसे हरकतें करते हो, गैरी तो एक्सेप्ट नहीं करता, गैरी तो परफ्यूम को भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो भाई उसका एटीट्यूड कैसे एक्सेप्ट कर लिया होगा। और अगर हम बाकी के दूसरे बैच को देखें तो मुझे ये वाला बैच लग रहा है ब्लेन का बैच। और हमने देखा था जब ऐश 8th जिम के लिए मतलब 7th जिम के लिए जब जाता है ब्लेन के पास बैटल करने के लिए, वहाँ पर गैरी वैकेशन बना रहा होता है और ब्लेन जो होता है वो अपने ट्रेनर से छुपा होता है, क्योंकि उसे बैटल नहीं करना होता। अब यार ये बात समझ आ रही है, 7 के 7 ही जो बैजेस हैं, ये बैजेस समझ ही नहीं आ रहे, मतलब कोई किसी की अलग शेप। तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा होगा, है ना? मगर तुम एक एपिसोड याद करो, क्यूबोन होता है एक ट्रेनर के पास और उस एपिसोड का नाम होता है बैट टू द बोन। और उस ट्रेनर के जो बैजेस होते हैं वो भी यार ऐश और गैरी से थोड़े बहुत यार डिफरेंट होते हैं, उसके भी 1-2 बैच सिमिलर होते हैं ऐश से, पर 6-7 तो यार डिफरेंट होते हैं। अब यार ये भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। और ये मुझे ऐसा अच्छा लगा कि जैसी जो होती है वो उस ट्रेनर के मतलब बैच चुरा रही होती है, और वो दूसरे ट्रेनर के पास भी आती है और उस दूसरे ट्रेनर के भी बैच अलग होते हैं। मतलब फिर फंडा क्या है, जितने भी ट्रेनर के पास जा रहे हैं वहाँ पर तो उनके बैच अलग हो रहे हैं। अब देखो सिंपल सा एक रीज़न निकल के आ रहा है कि देखो कैंटो रीजन को हम जितना सोचते थे ना जितना छोटा है, पर वो उतना छोटा नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे बैजेस हैं, यानी जिम लीडर्स हैं या फिर हम कह सकते हैं जिम वाली सिटीज़ हैं जिसमें ऐश नहीं गया। क्योंकि हमने गेम में भी देखा है कि ऐसी सिटीज़ थी नहीं जैसे ऐश गया था, जहाँ मक थे, वैसी तो कोई सिटी थी ही नहीं गेम में, पर एनिम में तो है, और एनिम में कुछ ऐसी सिटीज हैं अभी तक ऐश उनमें गया ही नहीं है। तो हो सकता है ना सर डिफरेंट रीजन्स हो जहाँ पर कोई अलग अलग जिम लीडर्स हो। हाँ, मैंने एक और बात बताई थी आप सबको स्टार्टिंग में कि कुछ अनऑफिशियल जिम्स भी होते हैं, जैसे एजे का जिम था और कैज और यस जिम थे। तो हम बात करते हैं कैज और यस जिम के, तो उनका जो लड़ाई थी वो यार बाद में सॉल्व हो जाती है, तो उन्होंने क्या पता अलग अलग जिम खोल लिया और अलग अलग बैज हो और गैरी ने हरा दिया हो और गैरी को उनसे एक टेम्प्रेरी बैज मिल गया हो। और एजे का तो जिम पता है वो अनऑफिशियल था, मतलब उससे एक बैज नहीं मिलता और पोकेमोन लीग के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो इसका भी वही रीज़न निकलता है कि यार रीजन अलग हो सकते हैं, क्योंकि कैंटो रीजन यार बहुत ही बड़ा रीजन हम देख सकते हैं। और एक और बात जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है कि हमने पोकेमोन लीग में तो सर ट्रेनर्स देखे, 150-200 ट्रेनर तो कम से कम यार थे ही थे, क्योंकि जब जेम्स और जैसी उनकी पोकेबॉल चुराते तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर्स होते हैं वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा। तो एक और बात है कि अगर 8 ही जिम होते तो 150-200 जो जिम के मतलब लड़ने आते हैं ट्रेनर्स वो कहाँ जाते हैं? कोई मतलब यार लाइन लगी होती ना फिर तो इन सब की, क्योंकि यार 150-200 तो धीरे धीरे ही करके आएंगे, कोई कोई तो ऐश के पीछे था, कोई ऐश के आगे था, तो लाइन में लगना पड़ता उनको। तो इसलिए यार और भी जिम्स हो सकते हैं, सिर्फ ट्रेन के बीच कन्फ्यूजन या मतलब देरी ना लगे, क्योंकि फिर पोकेमोन लीग का जो टाइम होता है वो यार एकदम स्ट्रिक्ट, मतलब यार कह सकते एकदम एक फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम, क्योंकि पोकेमोन लीग में आना होता है। और 150-200 अगर पोकेमोन ट्रेनर है तो यार 15-20 तो कम से कम जिम होंगे होंगे, गेम में तो 8 जिम है, और हमें इससे ज़्यादा इसलिए नहीं दिखाई होंगे क्योंकि यार कुछ यार तुम सबके बीच वो ना पड़े, क्या बोलते हैं, मिसकंसेप्शन ना पड़े कि गेम में ये सब दिखाया वो सब दिखाया। बट यार एनिम है, एनिम यार कुछ भी कर सकते हैं, मेरी बात मानो, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर होते मतलब 8 जिम और 200 ट्रेनर्स तो तुम भी बताओ लाइन लगती नहीं लगती? अब इस बात पर तुम यार ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि यार देख 16 साल हो चुके हैं जब जनरेशन 1 आया था, और अगर हमें इस बारे में और जाना है तो हमें फिर गैरी की बैक स्टोरी देखनी पड़ेगी, और वो अभी तक आई नहीं, और मुझे लगता है कभी भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि 16 साल हो चुके हैं यार, कब आएगी फिर? 16 या 17, मेरे हिसाब से 18 साल हो चुके हैं, तो कब आएगी तुम ही सोचो। तो यही थ्योरी थी मेरे हिसाब से, मैंने अपनी पूरी 100% थ्योरी थी, थोड़ा बहुत मैंने प्रोटो मारियो की वीडियो भी देखी थी, उसका भी लिंक डाल दूंगा अगर तुम चाहिए, वैसे बहुत फेमस यूट्यूबर है वो,
तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। ये थ्योरी थी गैरी के ऊपर, और यार ये बस मैंने अपनी फैन थ्योरी की बनाई और कुछ रेडिट यूज़र ने भी बोला था, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। यार हेट कमेंट मत लिखना यार, मैंने पूरी कोशिश करी। तो तब तक के लिए यार मैं गुड बाय करना चाहूँगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भाई को यार प्लीज़ यार, इंस्टाग्राम पर तुम कोई फॉलो ही नहीं करा। तो यार यार तब तक के लिए गुड बाय।